Assalamualaikum, मेरा नाम है गुलाम अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल GM's World। तो दोस्तों आज मैं आपको चेस के अंदर 3 सीक्रेट चेकमेट करने के तरीके बताऊंगा, वो भी सिर्फ 2 से 3 मूव्स के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों इससे मैं आपको एक चेकमेट देने का एक बहुत इजी सा ट्रिक बताऊंगा जो कि व्हाइट के लिए है। अगर आपकी व्हाइट है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी टर्न होगी, आपने सबसे पहले अपना पॉन को जो आपके किंग के सामने वाला पॉन होगा उसे आपने 2 स्टेप चल देना। आपके ओपोनेंट टीम वाला भी सेम इसी तरह अपने पॉन को आगे चल देगा। उसके बाद आपने अपने बिशप को पकड़ के इस पॉन को अटैक करना है जो कि ओपोनेंट टीम के बिशप के सामने होगा। आपने उसको अटैक करना है। उसके बाद सपोज अगर ओपोनेंट टीम यहाँ चल देती है, आप अपनी क्वीन को इधर कर दें, उसी सेम पॉन के ऊपर आपने अटैक करना है। इस बिशप से भी और इस क्वीन से भी सेम पॉन के ऊपर अटैक करना है। और अगर ओपोनेंट टीम अपना ये भी चल जाती है तो इजीली आपने क्वीन से इस पॉन को मार के चेक मेट दे देना है। ब्लैक को चेक मेट हो सके क्योंकि ऐसा कोई भी पीस नहीं है जो कि क्वीन को मार सके, और कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो कि इनको आपस में ब्लॉक कर सके, और कोई ऐसा पीस भी नहीं है जो कि क्वीन को और किंग भी क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि इधर से बिशप क्वीन को किल करने कर सकती है। तो यहाँ पे ब्लैक को चेकमेट हो चुका है, सो ब्लैक लॉस्ट द मैच। दिस मैथड, ये वाला मेथड जो मैं बताने लगा हूँ ये ब्लैक के लिए है। अब फर्स्ट टर्न जो होती है वो हमेशा व्हाइट की होती है, और व्हाइट वाला ओपोनेंट जो है वो सबसे पहले अपना बिशप के सामने वाला पॉन को 2 स्टेप चला देगा। आपने सिंपली अपने पॉन को जो किंग के सामने वाला है उसे आपने 1 स्टेप चला देना है। वो अपना दूसरा जो ओपोनेंट टीम का है वो अपने दूसरे पॉन को भी जो उसके नाइट के सामने है उसे उस पॉन को भी 2 स्टेप चला देगा। आपके पास सिंपली ऑप्शन क्या होगी, आपने अपने क्वीन को यहाँ रख देना है, व्हाइट को चेकमेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पीस नहीं है जो कि आपके क्वीन को कैप्चर कर सके, और किंग के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से वो बच सके, और कोई ऐसा पीस नहीं है जो कि क्वीन को पकड़ सके। सो यहाँ पे इजीली व्हाइट को चेकमेट हो चुका है, सो व्हाइट लॉस्ट द गेम। तो सर मेरी जो तीसरी ट्रिक है ये व्हाइट के लिए है। सो सबसे पहले व्हाइट के अंदर आपने करना क्या है ये, और अगर ओपोनेंट टीम अपना नाइट को यहाँ पर करती है तो आपके पास आपने यहाँ करना है। उसके बाद आपने अपना ओपोनेंट टीम की बारी, अगर वो यहाँ कर देते हैं आपके लिए बहुत बेहतर है, आप यहाँ करें। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इजीली अपने इसको इधर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न के अंदर वो इधर करेंगे, अगर आपने नाइट को वो D4 पर करते हैं तो आपने अपने बिशप को नाइट के साथ कर देना है। इसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद ओपोनेंट टीम अगर किसी भी टाइप की बारी लेती है, वो आपका ओपोनेंट टीम बारी किसी भी टाइप की ले लेती है अगर यहाँ पे, तो आपके पास सिंपली सब वे है इधर जाना है और आपने इस पॉन को मार किल कर देना है। उसके बाद इधर से इसको चेक होगा और इधर से चेक मेट कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।